नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषी डॉक्टर विनायक जोशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तारीख 20 नवंबर से 30 नवंबर तक के वृश्चिक राशि के राशि भविष्य की। मित्रों, ये 10 दिनों में आपकी राशि से सूर्य, बुध और आपके राशिपति मंगल की भी गोचर हो रहा है, जो साम्राज्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस समय में जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज, योगा, ध्यान ये सब करेंगे, उतना आपको कार्य में और हर एक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखेगी। अपनी एनर्जी को अच्छे रास्तों पे यूज़ करने का प्रयत्न करें। पंचम स्थान में राहु होने के कारण और 11वें घर में शुक्र होने के कारण आपके रेगुलर आर्थिक लाभ के साथ साथ अचानक कोई विंड फ्लो अर्थात आकस्मिक लाभ के भी योग बनते हुए नजर आएंगे। कोई नया काम मिल सकता है, साथ साथ पुराने काम से भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जॉब करने वालों के लिए छठे घर का गुरु करियर की दृष्टि से अच्छा माना जा सकता है। ये समय में जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा नए संबंधों से बचें और अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव होने से बचें। अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्सा ना करें। पहले घर में मंगल होने के कारण थोड़ी सी जल्दबाजी और थोड़ा शॉर्ट टेम्पर ये आप में इस महीने नजर आएगा, जिस पे कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। चौथे घर से स्वग्रही शनि का ट्रांजिट जो षष्ठ नाम का राजयोग कर रहा है, वो आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। अगर कोई नया बिजनेस चालू करना है, कहीं पार्टनरशिप करनी है, तो ये समय में आप कुछ नया प्रयत्न कर सकते हैं और धीरे धीरे करके फ्यूचर के लिए एक नई सफलता का योग बनता हुआ दिखेगा। काम में अच्छी सफलता, अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा। ओवरऑल ये 10 दिन का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। हर प्रकार से सहायता और सफलता देने वाला माना जाएगा। नमस्कार।